कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, जिनके नेताओं को पूरे साल गांधी जी याद आते हों या न आते हों, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन बापू की जयंती उन्हें याद रहती है, क्योंकि यही वो दिन है जब इनके नेता अपना दर्द बापू को सुना पाते हैं, जिनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें वो बापू की मूर्ति से गले लगते हैं और फिर रोने लगते हैं। बापू, देश, बापू। एक ऐसा ही वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक गाड़ी में गांधी जी की प्रतिमा को रखकर ले जाया जा रहा है और प्रतिमा के बगल में एक मरीज को लिटाया गया है ताकि पुलिस की नजर पड़े। लेकिन जब पुलिस की इस पर नजर पड़ी तो सपा कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए और बवाल काटने लगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने एसडीएम कार्यालय में डीएम को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर 2 अक्टूबर तक शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई, तो सपा के कार्यकर्ता संभल के किसी भी पार्क में प्रतिमा स्थापित कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बता दें कि ज्ञापन देने के बाद गांधी जयंती के दिन जब सपा कार्यकर्ता मूर्ति को लेकर शहर में पहुंचे, तो उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में रखी प्रतिमा के बगल में एक मरीज को लिटा दिया और नारेबाजी करने लगे। देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है और इतनी बड़ी खुशी का दिन है कि अगर मैं जिंदा हूँ और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये बापू की देन है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क बापू हमें देकर गए हैं और मैं उनकी प्रतिमा की लगभग 6 साल से रेगुलर मांग कर रहा हूँ, क्योंकि जनपद संभल में, खास तौर पे संभल शहर में बापू की प्रतिमा नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, जयंती हम लोग मना रहे हैं, इस मुल्क का बच्चा बच्चा खुशी में झूम रहा है और बापू का जन्मदिन मना रहा है, लेकिन मैं इस बात से महरूम था क्योंकि संभल शहर में प्रतिमा नहीं है। मैंने कई बार कहा प्रशासन से कि बापू की प्रतिमा लगाओ, महापुरुषों की हम प्रतिमाओं की मांग करते हैं, लगवा भी देते हैं, लेकिन 2 गज जमीन प्रशासन बापू की प्रतिमा के लिए नहीं दे पाया। मैंने फिर आज ये तय किया कि मैं अपने खर्च पर बापू की प्रतिमा लगाऊंगा, क्योंकि 2 गज जमीन इनके पास देने को नहीं है। अगर कहीं भी जगह मिलेगी मैं वहाँ बापू की प्रतिमा स्थापित कर दूंगा, क्योंकि मेरे देश के और मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ और बापू ने इस मुल्क को आजाद कराया और बाबा साहब ने इस मुल्क में संविधान दिया हमें। खैर, सोशल मीडिया पर सपा कार्यकर्ताओं के इस कारनामे का वीडियो एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर यूपी की सियासी गलियारों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि इन लोगों को बापू आज के दिन ही क्यों याद आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।